हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का जेएसएससी सीजीएल के लिए एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो, है ना। मतलब अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए, है ना, ताकि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। मतलब कोई आपको एहसान करे, ये ऐसा नौबत मत आने दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। JSSCGL मैथमेटिक्स, है ना, सेट 14 है हम लोग का, और टारगेट हम लोग का क्या है, 60 में 60, यानी कि 60 में 60 लाने का, ठीक है। चलिए तो पहले नंबर से सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। तो कौन से, क्या कहा जाता है 180 और 360 के बीच का। तो चलिए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर को, है ना। यहाँ पे क्या है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको बोला है कि 180 और 360 के बीच, तो 180 और 360 के बीच को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 180 और 360 इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। 90 से 0 से 90 के बीच जो रहेगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, और 90 हो जाएगा हमारा राइट एंगल, और 90 से 180 में हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, और 180 से 360 में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, ठीक है। तो विरहत कोण, यानी कि लार्जर एंगल भी बोलते हैं इसको, तो विरहत कोण आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोला है कि 2x+1 इज इक्वल टू 0 और 3y-9 इज इक्वल टू 0 हो तो ग्राफ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। सिंपल सा आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है x और y का। तो आराम से यहाँ पे आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। -9 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -2, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बनेगा, तो x कॉमा y आपका -1/2, 3। तो कौन से ऑप्शन में आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या बोला है, यदि किसी भवन का उन्नयन कोण उसके तल से 500 मीटर दूर एक बिंदु से 60 डिग्री हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे बोला है कि उन्नयन कोण कितना है आपका, तो 60 डिग्री का है, ठीक है। 50 मीटर दूर है, किसी भवन का उन्नयन कोण उसके तल से 50 मीटर दूर बिंदु पर है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है ये क्या है आपका, 50 मीटर है। तो बोला है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसका हाइट पूछ रखा है ये वाला। तो हम जानते हैं कि ये जब 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने वाली भुजा 1 के बराबर होता है, 60 के सामने वाली भुजा √3 के बराबर होता है। तो जब 1 का मान आपका 50 हो तो √3 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो √3 का मान हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, 50√3 आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4। बहुत ही अच्छा सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 2 tan x + 1 - tan²x। आप जानते हैं कि ये कौन सा फार्मूला है, यदि आप नहीं जानते हैं तो बस टेन कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम आपको टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग फार्मूला को एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे कि कौन सा फार्मूला और किस में होता है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स का फार्मूला है ये। किसका फार्मूला है, टेन टू एक्स का फार्मूला है, और यही चीज़ आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सवाल, आसान है ये, बोला है टेन टू एक्स का फार्मूला है ये और इसका वैल्यू दे रखा है। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपका, वन दे रखा है। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि टेन टू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर फाइव। सवाल नंबर फाइव अगेन ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, जिसमें केवल आपको वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व करना है। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है, प्लस कॉसेक 60 का। जब कॉसेक 60 का याद ना हो तो आप साइन को बदल दीजिए। साइन के वैल्यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक का याद नहीं होगा तो आप कॉस के वैल्यू को पलटिए, कॉस का वैल्यू है ये, तो हो जाएगा 2/√3। टेन थर्टी, तो टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, चलिए ये हमारे पास टोटल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको नीचे बराबर करना हो तो बराबर करना हो तो इधर रूट थ्री से गुना कर दीजिए, यहाँ भी रूट थ्री से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे रूट थ्री से गुना हो जाएगा, यहाँ भी रूट थ्री से गुना हो जाएगा, और इधर टू टू से गुना कर दीजिए नीचे बराबर लाने के लिए। नीचे बराबर लाने के लिए दो दो से गुना कर देंगे तो ये दो हो जाएगा, दो दुना चार, फिर ये दो और ये दो। अब डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√3 आ जाएगा टोटली, और ये गुना होगा तो तीन होगा, ये तीन, तो तीन तीन छः हो जाएगा, छः, चलिए सिक्स हो गया, इसका थ्री हो गया, इसका थ्री हो गया, और ये दो दुना चार, चार 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 आठ हो गया, और यहाँ पे दो और दो कितना हो जाएगा, प्लस चार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यदि देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो छः चार दस और आठ अठारह हो गया। अठारह को हम लोग तीन गुने छः लिख सकते हैं, तीन गुने छः लिख सकते हैं यहाँ पे अठारह, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखें, दो से इसको काटेंगे तो तीन होगा, और रूट थ्री से थ्री को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है वो 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे एक बार और देख लेंगे इसका आसान तरीका क्या है, कॉस 30 और साइन 60। ठीक है, कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉसेक 30 प्लस सेक 30 था ना, उल्टा यहाँ पे लिख दिए, कॉसेक 60 और सेक 30 था, कॉसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री और प्लस कॉट 60 डिग्री, ये चीज़ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ट्रिक क्या है कि ये दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, 90 यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, कि इसका 60 प्लस 30 90 होगा, साइन और कॉस में एंगल होगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद दूसरा स्टेप में आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे कॉसेक 60 और सेक 30 मतलब जस्ट इसी का अपोजिट है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3 प्लस 2/√3। ठीक है, प्लस ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, 1/√3 प्लस 1/√3, ये हो गया। अब देखिए पेयर यहाँ पे बन रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3/2 प्लस इसका पेयर बन रहा है
तो लिखेंगे 4/√3 प्लस इसका पेयर बन रहा है तो 2/√3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को बस केवल क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टेप और जाएगा, सॉरी एक स्टेप और आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए देखिए समय लग रहा है लेकिन आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। 4 देखिए यहाँ पे डाइट करिए, 2 2 4, क्योंकि ये नीचे वाला सब सेम है, तो 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6√3 हो जाएगा। अब आपको केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी सॉरी यहाँ पे अभी ऐड करना है आपको, तो अभी कैंसिल आउट मत करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, आपका 2√3, और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा कितना, ये 3 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 प्लस 6 दुना 12, आने की वही चीज़ आ गई आपका 18। तो 18√2√3। चलिए आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये आप पेयर करके करें करिएगा तो तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6। ज़्यादा समय ले लिया, 5 नंबर सवाल ना। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, ठीक है। केंद्र केंद्र वाले वृत्त के लघु चाप पर ए बी और ए बी पर सी बिंदु है, ठीक है। यदि कोण ए वो बी 120 है तो सी ए बी कितना होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। एक आपका सर्कल है, एक सर्कल है, तो ये बोला लघु चाप, ठीक है। लघु चाप माइनर आर्क है, ठीक है। तो एक छोटा आर्क दे देते हैं, माइनर आर्क इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ये हो जाएगा ए और बी और ये हो जाएगा ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको कि माइनर आर्क पे सी बिंदु है, तो सी बिंदु आप यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए सी बिंदु, ठीक है। और ये बोला है कि जब ये ओ बी आपका 120 डिग्री होगा तो ये एंगल्स ए सी बी कितना होगा, यही चीज पूछ रहा है ना, एंगल ए सी बी कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे कि ये और ये बराबर है, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से ऐसे बना दीजिए किसी ऊपर बिंदु में, और ये 120 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 होगा, होगा। और हम जानते हैं कि एक किसी भी सर्कल में क्वाड्रेटरल बनता है यानी चतुर्भुज बनता है, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। जब ये 60 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, दोनों मिला करके 180 होगा। जैसे इसको डी पॉइंट दे देते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल सी आपका 180 के बराबर होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी आपका 180 के बराबर होगा। तो जब एंगल डी आपका 60 है तो एंगल सी आपका कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए। तो एंगल कितना हो जाएगा, ए से बी आपका 120 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 7। क्या बोला, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की माध्यिका रेखाओं का अनुपात कितना हो, 4:3 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है और 4:3 इसका क्या है, अनुपात है। तो ये ऐसा अनुपात होता है कि सभी का भुजा, ये सभी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान के चलिए कि ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी ई एफ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका ए बी बट्टा डी ई जो होगा इज इक्वल टू ए सी बट्टा डी एफ इज इक्वल टू बी सी बट्टा ई एफ इज इक्वल टू ए डी बट्टा, अच्छा ए पी, यहाँ पे पी दे देते हैं, यहाँ पे क्यू दे देते हैं, तो ए पी बट्टा डी क्यू। ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको भुजा के बराबर पूछा है, आपको क्या दे रखा है, एक ए पी बट्टा
एपी बट्टा डीक्यू दे रखा है, तो आप कोई भी भुजा का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे आप ए बी बट्टा डी ए निकालना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 4:3 के बराबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 बोला है कि समलंब चतुर्भुज है एक ए बी सी डी, जिसमें ए बी और सी डी के समांतर है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर सी डी 10 सेंटीमीटर हो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 132 है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ट्रेपेजियम का सवाल है, ट्रेपेजियम का सवाल है। यहाँ पे बोला है कि एक आपका 10 है तो एक आपका कितना है, 12 है। ठीक है, तो 10 आपका क्या है, सी डी है, तो ए बी सी डी ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एरिया इसका क्या होता है, तो एरिया होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट होता है, ये इसका एरिया होता है। और एरिया आपको दे रखा है कितना, 132 दे रखा है, आपका एरिया 132 दे रखा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 132 दे रखा है ये, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और ए बी प्लस सी डी 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। तो 22 हो गया, और इंटू आपका क्या है, एच है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 11 होगा, और एच का वैल्यू आप 11 को 132 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हाइट आपका क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि जेएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। ये बोला है कि दो संख्याओं का योग आपका 40 है और उसका गुणनफल आपका 375 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 40 है, और दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 375 है, तो आपको बोला है क्या कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x + 1/y लिख सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट याद रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई यानी कि 40 है और एक्स वाई क्या है आपका, 375 है। आप यहाँ से इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो वो आज 8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 25 हो जाएगा। तो 8/75 आपका आंसर आ गया, 8/75। 8/75 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या बोला है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी है, 2 गुनी है। यहाँ पे समझेंगे सही से, ठीक है, क्या बोला है कि आपका एक बेलन है, आपका क्या है, एक बेलन है, ठीक है, और क्या बोला है, व्यास इसका 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रेडियस का ज़रूरत है, तो रेडियस ले लेते हैं, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो ऊंचाई बोला है, इसकी जो ऊंचाई बोला है वो इसकी आधार की त्रिज्या की कितनी है, 2 गुनी है। तो जब त्रिज्या आपका 10 है तो हाइट आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डबल बोला है, तो 10 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, क्या निकालने बोला है, आयतन ज्ञात कीजिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई में ही आंसर दिया हुआ है तो आप पाई रखेंगे, आर स्क्वायर बोला है तो 10 × 10 लिखेंगे 2 बार, और एच बोला है तो एच हमारा 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2000 है ना, 2π/30π, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। बहुत ही अच्छा सवाल था ना, हाँ, यहाँ पे केवल कंफ्यूज किया है आपको कि ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का 2 गुना है, तो इसकी आधार की त्रिज्या लिखें या फिर ऊपर का त्रिज्या लिखें, दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक बेलन है और बेलन में
त्रिज्या बराबर होती है, मतलब रेडियस, ऊपर लें या नीचे लें। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11, एक त्रिभुज में यदि तीन शीर्षलंब बराबर हों तो त्रिभुज कौन सा होगा? बोला है कि एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें बोला है कि शीर्षलंब जो होगा वो बराबर होगा, तो ऐसा संभव है किसमें? तो ऐसा संभव है केवल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका संभव है तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसकी सभी ये अल्टीट्यूड यानी कि सभी अल्टीट्यूड शीर्षलंब क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यदि हम समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं तो इसमें देखिए कि इसका अल्टीट्यूड बराबर नहीं होगा। कोई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें भी इसका अल्टीट्यूड क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो केवल पॉसिबल है किसमें? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में पॉसिबल है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 है, क्या बोल रहा है कि एक लंब पिरामिड का आधार आपका 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है ना, और इसका आयतन दे रखा है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी ऊंचाई पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। यहाँ पे पिरामिड के बारे में बोला है, तो पिरामिड हम बताए थे कि पिरामिड कैसा होता है और प्रिज्म कैसा होता है। ठीक है, तो पिरामिड में जब ये वर्ग बोला है ना, तो वर्ग यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। तो पिरामिड में क्या होता है कि सभी पॉइंट एक दूसरे को जा करके मिलता है ऊपर में। ठीक है, ये पिरामिड होता है। और प्रिज्म में क्या होगा आपका कि प्रिज्म में जैसा नीचे है वैसा आपका ऊपर भी होगा, यानी कि इस तरह से कुछ आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म हो जाता है प्रिज्म, और ये आपका पिरामिड हो जाता है। तो आपको बोला है क्या? पिरामिड बोला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे आपका एरिया क्या होता है इसका, सॉरी वॉल्यूम बोला है ना, हाँ आयतन दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है कितना? 8000 दे रखा है, बराबर हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस आपको निकालना पड़ेगा ये 40 सेंटीमीटर इसका भुजा है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? तो वर्ग का एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40 × 40, और हाइट आपसे पूछ रखा है तो हाइट आप ऐसे रखेंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 4 6 16 16 5 80, 5 से कट जाएगा ये, और यहाँ पे आपका h का वैल्यू जो होगा वो 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो हाइट बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। 13 में क्या बोला है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, ये n है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होता है? तो इसका फार्मूला यदि देखेंगे तो n³ - 3n के बराबर होगा इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और a+b का होल क्यू से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे यदि हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा √3³ - √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3√3 - √3, और ये किसके बराबर दे रहा है? 0 के बराबर दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो आप इसको a+bk³ में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a³ + b³ + 3ab × a+b ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक n का इसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, और ये 3ab जो है वो इधर आ जाएगा, तो आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो यही फार्मूला आपका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 बोला है कि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। ठीक है, तदनुसार उस सम बहुभुज की भुजाएं कितनी है? बोला है कि एक आंतरिक भुजा लेते हैं और एक बाह्य भुजा लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक हम लोग पॉलीगॉन ले लिए हैं और इसका बोला है बाह्य कोण जो होगा वो तीन गुना होगा, सॉरी आंतरिक कोण जो होगा वो तीन गुना होगा किसका, बाह्य कोण का। तो बाहरी कोण को यदि हम लोग एक्स मानते हैं तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि थ्री एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है और स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो ये 4x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। और x बराबर 180 को आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 होगा, सॉरी 90 होगा, और 90 को आधा करेंगे तो आपका 45 होगा। ठीक है, अब बोला है कि कितना कितनी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाहरी एंगल आपका 45 है तो ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 बट्टा n होगा नंबर ऑफ साइड्स, बराबर आपको कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। 45 एन एन क्या वैल्यू काटेंगे, 45 से इसको काटेंगे तो 45 दुना 90, फिर 45 दुना 90 हो गया, फिर डबल करेंगे तो 180, फिर डबल करेंगे तो 360, यानी कि 8 बार में ये कट जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 बोला है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेष क्या होगी। तो यहाँ पे बोला है कि कोई एक संख्या है इसको हम लोग 280 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना दे रहा है, 115 दे रहा है। और बोला है कि इस यदि वही संख्या को हम लोग 35 से विभाजित कर दें, 35 से इसको विभाजित कर दे रहे हैं तो जो लास्ट में आएगा वही विभाजित होगा जो शेषफल में विभाजित करेंगे। यही हम लोग का ट्रिक भी बन जाता है कि 115 को हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, बस ट्रिक ये है, ये आपका ट्रिक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 दुना 70 और 35 दिया कितना हो जाएगा, 105, 105 और ये 105, शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा। शेषफल आपका 110, ये 10 बच रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सवाल नंबर 16 में बोल रहा है इकाई अंक निकालिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इकाई अंक जब भी निकालने बोलता है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं कि इसके आगे कुछ और भी नंबर था। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा है। तो 7 * 21 का 1 हो जाएगा और 8 का 1, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं 8 * 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक मिनट, हाँ 8 है, 7 * 21 तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, इकाई अंक बोला है ना। हाँ तो सही है हम लोग का, 8 * 24 7 * 28। हाँ ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पे हम लोग का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आपका 8 आ रहा है। ठीक है, 8 * 8 यानी कि यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं 8 * 24 का 4 हो जाएगा और 7 * 28 8 आ रहा है, और कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते ही सवाल बन जाना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, हम क्या बताए थे आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे 90 आपका आ जाएगा उसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये ट्रिक है आपका। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेन कॉट में अल्फ़ा प्लस बीटा 70 और 20 90 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। माइनस यहाँ पे 80 और 10 कितना हो गया, 100 हो गया, सॉरी 90 हो गया, तो 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 दिए गए बिंदु युग्म से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट। वो रखा है कि यहाँ पे वृत्तों की संख्या, वृत्त की संख्या क्या होगी, जैसे मान के चलिए कि एक वृत्त आप बना रहे हैं तो ये कौन कौन बिंदु से ये गुजरेगी जा करके। ठीक है, तो दो बिंदु ये तो नहीं होगा, एक बिंदु ये भी नहीं होगा, इनफाइनाइट अनेक बिंदु होंगे। ठीक है, दो से अधिक लेकिन अपरिमित ये भी नहीं होगा, दो से अधिक नहीं, कम से कम इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट इसमें आएंगे। ठीक है, तो अनंत होगा यानी कि अनेक इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19
देखिए ये सब सब पूछा हुआ सवाल है, पीजीटी में सब पूछा हुआ सवाल है, जेएसएससी के पीजीटी में, है ना। एक घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो एक घन क्यूबॉइड के, क्यूब के बारे में बोल रखा है, ठीक है। आपका एक क्यूबॉइड है, क्यूब का डायगोनल आपका दे रखा है, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है इसका √3 × a, इसका डायगोनल होता है, ठीक है। क्यूबॉइड का डायगोनल यदि देखेंगे तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, तो L² + B² + H² का रूट होता है। और यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से √3 a आपका ये बाहर आ जाएगा, तो √3 a होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि √3 a आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे 8√3 दे रखा है। आप यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं, साइड निकाल सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया। आयतन क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, a का क्यूब होता है, यानी कि 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 512 आपका सही आंसर है। और देख सकते हैं आप नहीं भी जानते हैं क्यूब, तो देखिए कि 8 8 64, 64 से बड़ा कौन होगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 20, और ये लास्ट सवाल भी है हम लोग का आज के क्लास का। एक 5100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर हो, तो अन्य समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि एक फिगर बना लीजिए तुरंत। हाँ, यदि कन्फ्यूजन है सवाल में तो ठीक है, हाँ, जिनको लग रहा है कि दिक्कत होगा वो तुरंत फिगर बना लेंगे, तो आसानी से बन जाएगा सवाल। यहाँ पे बोला है कि एक भुजा आपका 20 है, एक भुजा आपका क्या है, 20 है, दूसरा भुजा आपको पता नहीं है, और इसके बीच, दोनों के बीच का हाइट दे रखा है कितना, दूरी 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि इसका एरिया बराबर क्या होता है, इसका एरिया बराबर होता है ½ × पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, 20 + b, आर इंटू हाइट होता है, यानी कि 30 हो जाएगा। तो एरिया दे रखा है यहाँ पे, एरिया कितना दे रखा है, 5100 बराबर हाफ 20 + b × 30। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट किए, 3 से काटेंगे तो ये 17, 17 * 51 हो गया 170, और 170 में 170 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 17 × 34 340 हो जाएगा। 340 बराबर आ गया है 20 + b, और b का वैल्यू निकालेंगे तो 340 में 20 घटाएंगे तो 320 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ये आपका b कितना आ गया, 320। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। तो आपका समलंब हो गया, यानी कि ट्रेपिज्म हो गया, और रोम्बस हो गया, ठीक है। तो ये सब एरिया आप लोग नहीं भूलिएगा, ये सब पे डायरेक्ट फार्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ PDF मिलेगा और बिना बिना सॉल्यूशन का मिलेगा, ठीक है, दोनों आपका मिलेगा। आप लोग प्रैक्टिस के लिए है ना विथ सॉल्यूशन ले सकते हैं और विदाउट सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिस के लिए विदाउट सॉल्यूशन वाला PDF आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक बार, जहाँ भी दिक्कत होगा आप सॉल्यूशन को देख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग रात 9 बजे, ठीक है। अभी के लिए सभी को गुड नाइट।